प्रत्याशी हमारे साथ में है और यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, हम उनसे मुखातिब भी होते हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभा को संबोधित किया। जी मंजुआ जी, आपका राजस्थान तक में स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पर मोदी जी की सभा हुई, क्या लग रहा है आपकी बात? आपकी बात तो 400 पार है। काफी कुछ लोगों की भीड़ यहाँ दिखाई दी है और लोगों में उत्साह का भी माहौल दिखाई दिया। मोदी ने कहा है कि बांसवाड़ा डूंगरपुर मेरा तो परिवार और मैं तो लोकल हूँ यहाँ का, ऐसा लग रहा है क्या? इसमें खुशी किस तरह से दिखाई दे रही है? देखो, एक तो कोई कागज में लिख के लावे और पड़े, मोदी साहब ने तो कागज लाए थे, इन्होंने बांसवाड़ा का नाम लिया, डूंगरपुर का नाम लिया, बागीदरा का नाम लिया, भेड़ेश्वर का नाम लिया, त्रिपुरा सुंदर का नाम, लगता नहीं है क्या ये बिल्कुल लोकल है? काफी कुछ लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है और आप ही का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पर। भीड़ का तो कोई अब तक की सबसे बड़ी भीड़ है। मोदी साहब ने महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा करने का वादा किया, एक बहुत बड़ी बात कही थी, और गणेश्वर धाम का भी यहाँ पर जिक्र किया, मानगढ़ का भी जिक्र किया। जी बिल्कुल, मानगढ़ का भी। तो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो इस टाइप का है जिसको लेकर हमारे प्रधानमंत्री ने उन्होंने कहा है कि बहनों आपका मंगलसूत्र सुरक्षित है, मोदी के होते हुए आपका मंगलसूत्र नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक बात उन्होंने कही है, अगली बात जो है कांग्रेस को जो धरातल पे बिल्कुल खत्म हो गई, कांग्रेस को वोट नहीं मिली और यहाँ पर भी ये समीकरण देखने मिल रहा है, आपस में लड़ा रही है, खत्म हो गई। तो बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, दिल्ली में जहाँ पर हमारा गांधी परिवार रहता है देश का, वो वहाँ पर उस लोकसभा में खुद का वोट नहीं डालने और यहाँ पर टिकट दिया है, हाथ का सिंबल दिया है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी से गठजोड़ करके कांग्रेस के खुद के सिंबल के विरोध में काम कर रही है। तो प्रधानमंत्री तो ठीक है, बहुत बड़ी बात बता दी है बादल अंचल के लिए, यह बात एक तोहफा और यहाँ वोट बैंक जो सीधा असर पड़ रहा है इन शब्दों से पड़ेगा, आम आदमी के जहन में ये बात निकलेगी। और हम तो पहले से ही कह रहे हैं गणतंत्र, एक लोकल लैंग्वेज में भी कह दिया कि मेरी ओर से राम राम घर घर तक कहना, जैसे ही अपन लोकल लैंग्वेज में जनजाति क्षेत्र में कहते हैं राम राम, ये बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। जा नहीं रहा, संदेश चला गया लाखों लोग। एक बार शब्द दोहराएंगे क्या कहा मोदी जी ने? मोदी जी ने इसलिए शब्द कहा कि घर पर जाके सबको मेरी तरफ से राम राम बोलना, जय गुरु बोलना, ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहा है। काफ़ी लोगों में उत्साह दिख रहा है और पहुँच भी गया संदेश। ये जब तक चुनाव रहेगा तब तक भैया बोलते रहेंगे। तो ये थे भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालविया, उन्होंने बहुत खुशी का इजहार भी किया और यहाँ पर मोदी जी ने जो राम राम का संदेश दिया वो घर घर तक पहुँच गया और महिलाओं के मंगलसूत्र की सुरक्षा का जो वादा किया महेंद्र सिंह अपने मोदी जी ने, वह संदेश काफ़ी उत्साहपूर्वक लोगों में दिखाई दिया और महिलाओं में काफ़ी उत्साह का माहौल दिखाई दिया। कैमरा पर्सन